मालूम सबको है कि जिंदगी बेहाल है, फिर भी पूछेंगे और भाई लोग क्या हालचाल है, तो हम भी पूछ लेते हैं यार। तो और भाई लोग क्या हालचाल है यार। अब देखो यार, डायरेक्ट मुद्दे की बात करेंगे तो एक गेम जिसने मुझे एक पहचान दी, जिसने मुझे सड़क से उठाकर एक नाम दिया, वो गेम आज खुद ही बंद हो चुका है। तो हाँ, दुख तो लगता है, लेकिन क्या ये दुख हमारे देश से बड़ा है? अगर हाँ तो फिर रो यार, लेकिन नहीं तो मूव ऑन करना पड़ेगा। देखो लॉजिकली बात करूंगा मैं, हम अपनों को खो देते हैं और तब मूव ऑन कर लेते हैं, तो ये तो एक गेम है यार। क्या इसके जाने से मूव ऑन नहीं करोगे? करना पड़ेगा यार। तो आज आओ अपन मिलके एक शायरी बोलते हैं। मैं चाहता हूँ कि मुझसे कोई नेक काम हो जाए, मेरी हर एक सांस देश के नाम हो जाए। तो भाई लोग, हम हैं एक इंडियन, और इंडियन का कर्तव्य है कि सबसे पहले अपने इंडिया के बारे में सोचे, ना कि एक गेम के बारे में। तो भैया आपको नहीं पता होगा, मैं बताता हूँ यार, हमारे इंडिया में जो हमारे फौजी भाई हैं, वो सच में यार डेली शहीद हो रहे हैं। मजाक नहीं करूंगा, डेली उनकी लड़ाई हो रही है, डेली शहीद हो रहे हैं। तो भाई मानो, समझो और उनका साथ दो। जब वो देश के लिए अपनी जान दे सकते हैं, तो हम भी यार उनके लिए कुछ ना कुछ तो कुर्बान कर सकते हैं। और इस बात में यार गवर्नमेंट को दोष मत दो। देखो गवर्नमेंट अच्छी हो बुरी हो वो मुझे नहीं पता, मैं किसी का सपोर्ट नहीं करता, लेकिन हाँ यार देश के लिए जरूरी था। देखो हर एक ऐप जो चाइना का है, वो हो सकता है भैया कहीं ना कहीं से यार डाटा लेता हो। अब देखो यार, सारे ऐप डिलीट कर देगा और पबजी छोड़ देगा, तो भैया चाइना की सरकार क्या इतनी चूतिया है कि वो पबजी के पास नहीं जाएगी? पबजी से बोलेगी नहीं कि भैया तुम अपने यूजर्स का डाटा हमें दो? बोलेगी यार, मानो बात, समझो उस बात को। और वो डाटा अगर शेयर होने लगा तो भैया बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो समझो और थोड़ा सा कंप्रोमाइज करो। क्योंकि मुझे लगता है कि टेंसेंट जो कि चाइनीज कंपनी है, उससे पबजी अपना हक छीन लेगा यार। क्योंकि भैया देखो यार, असली सोर्स, असली इनकम जो होती है वो इंडिया से ही होती है, मानो या ना मानो। भैया पबजी की 70-80%, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 50% तो इनकम इंडिया से ही होती है, और इंडिया के लोग अगर पबजी नहीं खेलेंगे तो कहां से चलेगा उनका? तो भैया समझ सकते हो और सोच सकते हो इस बात को कि 90% चांस है कि भैया पबजी आएगा वापस। क्योंकि यार जो टेंसेंट की पार्टनरशिप है, वो भैया 50-50 तो नहीं है यार, कम से कम 10-20% बस है। तो यार इतने में कुछ नहीं होता भैया, वो देगी मुंह में पैसा फेंक के और टेंसेंट से ले लेगी यार। और टेंसेंट नहीं भी देगा तो भी वो कुछ ना कुछ कर लेगी, क्योंकि यार उनका असली सोर्स भैया इंडिया ही है। तो घबराओ बिल्कुल भी मत। और रही बात की भैया आएगा नहीं अगर, तो यार कोई दिक्कत की बात नहीं है भैया, कॉल ऑफ ड्यूटी है, उसने पूरी पार्टनरशिप खत्म कर दी थी टेंशन से। तो भैया वो बहुत समझदार था, और तब खत्म करी थी जब पहली बार पबजी बैन हो रहा था, लेकिन पबजी वाले भैया थोड़ा सा चूतिया निकले, उनने हल्के में ले लिया इस चीज को और नहीं की। लेकिन अब मेरे को सुनने में आ रहा है, और मैंने कहीं पढ़ा भी हूं, कि पबजी वाले टेंशन से पार्टनरशिप लेके किसी और कंपनी को दे रहे हैं, पर नहीं भी देंगे तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, वक्त है बदलाव का, याद रखना वक्त है बदलाव का। अब अपन स्क्रीन में भैया दूसरा गेम दिखाएंगे और उसमें एंटरटेनमेंट करेंगे, और पबजी से ज्यादा करेंगे, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि भैया उससे ज्यादा मजा आने वाला है। और लॉजिकली इतनी देर से कर रहा हूँ, तो एक और लॉजिक सुन लो यार मेरा। पबजी एक ऐसा गेम है जिसने भैया हर एक गेम को फीका कर दिया था, हर एक गेम की रोजी रोटी छीन ली थी बोला जाए तो यार मेरी सोच ये कहती है कि भैया पबजी जब इंडिया से बैन हुआ तो काफी कंपनियां भैया बहुत ज्यादा खुश हुई, क्योंकि यार 3 साल के सफर में भैया पबजी से हैवी गेम डिजाइन कर चुकी होगी कंपनियों ने, पर वो उनको मौका मिला नहीं कि भैया वो लॉन्च करने के बाद भी पबजी को टक्कर दे दें, क्योंकि यार दुनिया पबजी में बिजी थी, उनको भैया कोई और गेम चाहिए नहीं था। लेकिन अब आएगा और पबजी से हैवी गेम आएगा, मैं आपको गारंटी देता हूं। पर जब तक नहीं आ रहा भैया COD खेलो, फ्री फायर खेलो, हाँ फ्री फायर रहन दो, लेकिन COD जरूर खेलो यार। और याद रखना भैया, फौजी की शायरी खत्म नहीं होने वाली, तुम चाहे कोई भी गेम ले आओ, अपन उस पे शायरी बनाएंगे और पेलेंगे बंदों को। बस अभी के लिए यार मन को थोड़ा सा मगन कर लो, और कभी कभी शहीदों को नमन कर लो। तो हाँ यार, 1-2 दिन भैया अभी पबजी के गेम आएंगे इसमें, क्योंकि यार अपने पास कंटेंट रखे पड़े हैं, लेकिन हाँ उसके बाद COD हो सकता है कि वो आए, लेकिन आएगा जरूर कुछ ना कुछ, तो घबराना बिल्कुल मत। देखो रात भर मेरे को भी लगा यार मूव ऑन करने में, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत रोया, मतलब वैसा वाला नहीं रोया, लेकिन हाँ बहुत इमोशनल था, पर भैया फिर ठीक हो गया यार, क्योंकि देखो मूव ऑन करना पड़ेगा। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ मेरी सिर्फ एक बात से, आप भी मूव ऑन कर सकते हो। जरा सुनो उस बात को ध्यान से, कि जब हम अपनों को खो देते हैं, और अपने की बात कर रहा हूँ मैं भैया, अपने मतलब माँ बाप बहन भाई कोई भी यार, जब हम उनको खो देते हैं तब मूव ऑन कर लेते हैं, तो क्या एक गेम के लिए मूव ऑन नहीं कर सकते? बस ये बात याद रखना, अपने आप मूव ऑन हो जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। मैं आपको आज एक सच्चाई बताना चाहता हूँ कि यार मेरा भैया घर पबजी से चल रहा था, मजाक नहीं कर रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरी जितनी इनकम सोर्स थी, हमारा घर जिससे चल रहा था, वो भैया पबजी है। पर फिर भी मैं यार इतना दुखी नहीं लग रहा आपको,
क्योंकि मेरा मानना है कि अगर बुरा होता तो अच्छा भी होता है, तो अच्छा जरूर हो गया यार कुछ ना कुछ। और यूट्यूब जिंदाबाद है भैया, कुछ ना कुछ तो डालना पड़ेगा ताकि आपका एंटरटेनमेंट कर सकूं। बस हाँ, कुछ डायलॉग को चेंज करना पड़ेगा, जैसे कि भैया वो आंख मत देखा यही गाड़ दूंगा ना, फौजी बोलते ग्रोजा की 40 की 40 उतार दूंगा, और एक वो पबजी वाला कि पबजी में जिक्र जब किसी हीरो का होगा तो नाम फौजी सीजे का होगा, तो अब गेमर नहीं रहा तो नाम कहाँ से रहेगा। पर हौसला बिल्कुल नहीं टूटा तो भैया नाम फिर से बनाएंगे और डायलॉग फिर से बनाएंगे, टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल। और मैं जानता हूँ कि कुछ छोटे छोटे भाई लोग भी होंगे जो कि भैया पबजी को लेकर बहुत सीरियस होंगे, और उनके दोस्त यार अब उनको चिढ़ा रहे होंगे, उनके ऊपर हंस रहे होंगे, तो भैया बस यही बोलना कि हर कुत्ते का दिन आता है, तुम्हारा आ गया है तो भौंक लो थोड़ी सा, हम शेर हैं फिर से शिकार करेंगे। वो एक डायलॉग नहीं है, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है हमारा दौर आएगा, क्योंकि हम पबजी वाले हैं और पबजी वाले जिगर रखते हैं, और जिगर वालों का डर से कोई वास्ता नहीं होता, हम वहाँ भी कदम रखते हैं जहाँ कोई रास्ता नहीं होता। तो भैया रखेंगे यार फ्री फायर में भी कदम, कहीं ना कहीं रखेंगे, क्योंकि अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ही है सबका करता धरता, बस अपने को एंटरटेनमेंट मांगता, तो वो जहाँ मिलेगा वहाँ जाएंगे, क्योंकि जिंदगी सिर्फ एक ही चीज कहती है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बहुत ही लंबा दंगल चलेगा रे, तो हमारा तैयार है, हाँ तैयार है। तो बस भाई लोग, आप लोग तैयार हो जाओ पबजी से भी कई ज्यादा एंटरटेनमेंट पाने के लिए, तो मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो लाऊंगा और भी ज्यादा मेहनत करूंगा, बस यार सपोर्ट दिखाते रहना, क्योंकि आपसे मैं हूँ और अगर मैं हूँ तो मैं जरूर हंसाऊंगा यार, बोला जाए तो भैया हंसवा हंसवा के पागल कर दूंगा। तो बस भाई लोग, आज की वीडियो में नहीं था, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर थोड़ा सा माइंड चेंज हुआ हो मेरी वीडियो देखकर, तो यार प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल में नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना, ताकि दूसरों को भी कुछ हेल्प मिल सके, वो भी यार थोड़ा सा मोटिवेट हो सके। और जाते जाते आपसे एक बात कहूंगा, यदि किसी काम को करने से डर लगे तो याद रखना यह एक संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। तो बस भाई लोग, आज की वीडियो में नहीं था, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।